वहाँ पर जाना है, फिर वहाँ से स्वर्ण भंडार शायद पहुँच ही गए। हाँ वहाँ वहाँ जो है वहाँ पर स्वर्ण भंडार है, वहीं से जाएंगे, वहाँ देखेंगे दिया हुआ है, और वहाँ गुफा है शायद, तो उसके अंदर अगर जाने का परमिशन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है CCTV कैमरा, नो टिकट, टिकट नहीं लगता है यहाँ, लेकिन मास्क लगता है, नो मास्क नो, मतलब कि नो मास्क, अगर मास्क नहीं रहेगा तो टिकट भी नहीं मिलेगा, ये मतलब है। और यहाँ पर बहुत सारा छोटा मोटा दुकान सब भी है, तो ये जो है, ये जो रास्ता है मनियार मठ से है, और यहाँ पर आगे आए हैं स्वर्ण भंडार, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्ण भंडार, वहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बंदर सब भी है, पहाड़ भी है, तो प्रशासन बैठे हुए हैं, तो हम लोग इनके अंदर जाएंगे, अभी इसके अंदर जाएंगे। तो गाइस अभी टाइम होने का, बंद होने का टाइम हो गया है, तो फिर जल्दी इसके अंदर जाके घूम के आना पड़ेगा वापस। यहाँ भी एक बाय बाय, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर पूरा व्यू। तो इसके ऊपर हम अभी जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ से यह है स्वर्ण भंडार, इसी के अंदर सोना सब होगा, स्वर्ण भंडार है, तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो गाइस यहाँ पर अंधेरा है बहुत, लेकिन फिर भी ठीक है, गुफा टाइप है और कुछ नहीं है। यहाँ पर एक गाइड है जो कि बता रहे हैं क्या है, तो वही अभी जाते हैं। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और जेल में बंद कर तड़पा तड़पा कर मरवा डाला। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गए, लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं, वो अपनी तपस्या के बल पर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक मंत्र लिख दिए, केवल लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब अंग्रेज का राजा आया विद्यार्थी जी, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, गर्म जल निकल रहा है, अगर इसे तो जैसा कि आप गाइस आपने देखा कि यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो सभी को बता रहे हैं, जो है ये गुफा है, और उसमें जो है ये पर यहाँ पर एक बाबा जो थे, अभी वो अभी मंदिर, जो मंदिर है ये, इसके पीछे बहुत सारा गुफा सब है, और सोन मतलब सोना नहीं होता है, सुरंग होता है, तो ये हमको अभी पता चला, सोन मतलब जो है सोना नहीं होता है, सुरंग होता है, ठीक है। तो इसके नीचे अब इससे बाहर हम निकल गए हैं, अभी जो है वहाँ से आए, उस जगह से आए, तो फिर हम इसमें जो बाबा है कुछ बता रहे हैं। जो है बंद होने का टाइम हो गया, इसलिए बाहर जा रहे हैं, प्रशासन जो है वो बोल रहे हैं कि बाहर निकलो, ठीक। तो ये है, एक बार व्यू ले लेते हैं, ये सभी घूमे, और एक चीज़ पता चला कि सोन भंडार जो होता है सोना नहीं, सुरंग होता है, तो ये जो है उसके अंदर भी हम लोग गए थे, सोन भंडार के अंदर। तो जो है बाहर निकलेंगे फिर से, यहाँ से जो हम लोग बाहर निकलेंगे, आप
इसमें तो बंद हो जाता है, एक एक दो बजे से जाना बंद हो जाता है, खाली जो अंदर रहते हैं उनको निकाला जाता है। इसमें उस तरफ जो है जरासंघ की जला मूर्ति है, लेकिन उस तरफ जो है जाने का परमिशन नहीं है अभी। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आइसक्रीम खाते खाते जा रहे हैं बाहर। देख वहाँ भी एक चीज़ देख लीजिए, लेकिन अच्छा से नहीं दिखेगा। जाना ना वहाँ भीड़ लेगा मोबाइल के मोबाइल। हेलो तो कम गाइस, हम लोग जो है अब जा रहे हैं वापस इसी रास्ते से, पर लंगूर भी है। फोन मत छीन लेना रे, फाड़िए देंगे, छोन छीन के भागिए जाएगा, फाड़ेंगे कौन चीज। एक घंटा पर है गाइस, ये जंगल जो है बहुत ही अच्छा है, और इसी रास्ते वहाँ से वापस जा रहे हैं। यहाँ सरकारी एकेडमी है, ये भी है, यहाँ पर मैप दिया हुआ है पूरा राजगीर जू सफारी का, पूरा मैप दिया हुआ गया है। यहाँ पर आप फिर आ चुके हैं और ये भी जा रहे हैं। वहाँ पर जापानी मंदिर लिखा हुआ है, जापानी मंदिर राजगीर अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र और गिरियातन। तो जापानी मंदिर है 0.30 किलोमीटर, यानी कि 30 मीटर है, तो सॉरी 300 मीटर है। तो उसके लिए जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर जाएंगे, तब वीडियो बनेगा।